हाय स्टूडेंट, GIT के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं MS Excel के पेज लेआउट मेनू के बारे में, कि MS Excel में जो पेज लेआउट मेनू दिया है उसका क्या यूज है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक्सेल में जो पेज लेआउट मेनू दिया है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मेनू है। क्यों है? क्योंकि इसके सहारे हम लोग एक्सेल पे डाटा बनाने के बाद से अगर प्रिंटिंग उसका करना हो, उस डाटा को प्रिंट करना हो, तो प्रिंटिंग करते समय बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा हमने बनाया होता है एक पेज का, लेकिन वो डाटा दो पेज में प्रिंट होता है। अब रीजन क्या होता है, वो तरीका हमको नहीं पता होता है कि कैसे उसको एक पेज में लाएं। ठीक है, उसीलिए वो डाटा बढ़ जाता है, दूसरे पेज में चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है, वो सीखने वाले, समझने वाले और जानने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, यह जो ऑप्शन जितना मैं पढ़ाऊंगा सब प्रिंटिंग सेटअप से रिलेटेड है, कि अगर डाटा बना लिए और बनाने के बाद से क्या क्या दिक्कत आएगा, तो किसके लिए किस ऑप्शन का यूज करोगे, तो प्रिंट करते समय आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, और सीखते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए तो डाटा हमको बनाना पड़ेगा। क्या हुआ? इसके लिए तो डाटा बनाते हैं। तो देखो, ध्यान दो, हमने क्या किया, डाटा हमने इतना बना दिया, क्लियर है? और इतना बनाने के बाद अब मैं सोच रहा हूं कि इस डाटा को मैं प्रिंट करूं। तो देखो, प्रिंट करते समय क्या दिक्कत आ रहा है, फाइल पे आ रहा हूं, प्रिंट पे आ रहा हूं, और देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास डाटा। कहाँ तक डाटा प्रिंट हो रहा है? या जनवरी से लेके एक पेज पे अक्टूबर तक, नवंबर और दिसंबर का नहीं हो रहा। तो आप बताइए, यह डाटा हमने बनाया है, लेकिन यह डाटा हम एक ही पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन ये जो डाटा हमने बनाया वो दो पेज पे चला गया है। तो आपको क्या क्या सेटिंग करने होंगे और क्या ऐसा करें कि हमारा वो भी डाटा इसमें आ जाए। तो एक्सेल में ध्यान देना, कभी भी वैसे प्रिंट करके नहीं दे देना चाहिए, पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहिए कि एक पेज में कितना आ रहा है। नहीं तो पता चला कमांड दे दिए और 10 लाइन है तो 6 लाइन ही प्रिंट होके आया, तो पेपर भी खराब होगा, डांट भी सुनना पड़ेगा। तो एक्सेल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेल में जब भी डाटा बनाना तो प्रीव्यू हमेशा चेक करना कि उस पेज पे कितना प्रिंट होके आएगा, उस पेज पे
कितना प्रिंट होके आएगा, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर चेक नहीं करोगे कुछ डाटा आएगा कुछ नहीं आएगा, उसके लिए डबल पेज लगेंगे, नुकसान ज्यादा होगा आपका। सुनना भी पड़ेगा कि कैसे कैसे सीखे हो, क्या काम करते हो आप, कि 2 पेज का, एक पेज का डाटा 2 पेज में प्रिंट करते हो। खर्चे हमारे ज्यादा लगते हैं, पावर कंज्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, तो यह तरीके टाइम ज्यादा लगते हैं, तो यह सभी दिक्कतें आ जाती हैं। अब बैक आता हूँ, अब देखिए फिर से जब मैं बैक आया और यहाँ पे देखिए अक्टूबर तक तो क्या हो रहा है, बोलो, प्रिंट हो रहा है, लेकिन नवंबर और दिसंबर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करें कि ऐसा कि ये नवंबर और दिसंबर ये दोनों आ जाए? तो आप बताओ, ये इतना इतना ज्यादा स्पेस है ना, इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है। इसीलिए आप लोग बनाते समय छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान में रखने होती, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, अब सेलेक्ट करके जैसे डबल क्लिक किए तो इतना ही में डाटा प्रिंट हो जाएगा, और इस पेज का लेंथ देखो इतना ज्यादा है, पी तक है। अब चाहेंगे तो कुछ और डाटा बढ़ा सकते हैं, बोलो, बढ़ा सकते हैं जी, बढ़ा सकते हैं। क्या क्या? तो हम यहाँ पे हेडिंग और दे सकते हैं कि मैक्स, उसके बाद मीन, उसके बाद टोटल, बोलिए। अब ये वैल्यू बार बार चेंज हो रहा था, क्या करें इसके लिए? फिक्स करना पड़ेगा, सेलेक्ट, कॉपी, राइट क्लिक, वैल्यू हो गया। अब आएंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन और नंबर सेलेक्ट ब्रैकेट बंद। बोलो, ऐसे मिनिमम निकालना है तो के बाद से टोटल, हो जाएगा बाबू। अब देखो, बस अक्टूबर तक प्रिंट हो रहा था, लेकिन इतना ही एडजस्ट करने के बाद देखो ये हमारा ये सब प्रिंट हो जाएगा, 3 और बढ़ाए वो भी हो जाएगा। हो जाएगा बाबू, प्रिंट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत? बोलो, समय आया ना? चलिए बैक आते हैं। अब सवाल है सर, और डाटा ज्यादा हो तब और बढ़ा देता हूं। लो, स्पेस से 2 लाइन और बढ़ा देता हूं आगे। अब इसको प्रिंट करूंगा तो कहां तक आएगा? मैक्स तक आएगा, और मीन और टोटल दूसरे पेज पे जाएगा। देखो मैक्स आया, उसके बाद या नेक्स्ट करेंगे दूसरे पेज पे, किसका किसका, मीन और टोटल, लेकिन 2 के चलते 1 पेज और लगेगा, और वो अच्छा भी नहीं रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा और तरीका मिल जाता कि उतना एडजस्ट करने के बाद भी कोई ऐसा तरीका मिल जाता कि ये 2 हमारा कॉलम जो प्रिंट में नहीं आ रहा है और दूसरे में आ रहा है वो इसी में आ जाए, तो ये भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? चलिए, अगर मैं इसका भी स्पेस अगर एडजस्ट करूं, फिर भी हमारा देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो गया, तरीका है ये, फिर भी हम 2 और बढ़ा देते हैं। अब कौन सा एडजस्ट करोगे? फिर भी बाहर जाएगा ये, इसको भी हमको प्रिंट करके निकालना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, फाइल पे आओ, प्रिंट पे आओ, और देखो दूसरे पेज पे हमारा बस 1 लाइन गया है।
एक काला हमारा चला गया। अब इतना के चलते कौन एक पेज बर्बाद करेगा, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको आना है, और याद है पेज लेआउट में रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पेज का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, पेज सेटअप करते हैं। अब पेज सेटअप कैसे करेंगे तो आप बताओ, या पिथ से दिक्कत है कि हाइट से दिक्कत है, इसके पिथ से दिक्कत है, ठीक है। तो आ जाएंगे ओरिएंटेशन में, और बाय डिफॉल्ट जो हमारा डाटा बना है कैसा बना है, पोर्ट्रेट में बना है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको हेडिंग ज्यादा लाना है और लाइन कम लाने हैं, ठीक है, डाटा कम लाने, हेडिंग ज्यादा शो कराने हैं, उसके लिए पोर्ट्रेट ना करके क्या करेंगे, लैंडस्केप कर देंगे। तो जो हमारा चौड़ाई कम था वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे। अब कह रहा दुगो और ला सकते हो, इसमें फाइल पे आइए, प्रिंट पे आ जाइए। अब देखो दूसरे पेज भैया नहीं, वन नो वन, समा रहा है, कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रोसेस सीखते हैं। अब यह तरीका था कि यह कैसे करेंगे, क्या एडजस्टमेंट है, या एक एक करके मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, ओरिएंटेशन हमने समझा दिया, पेज मार्जिन तो पहले से आप जो जानते हो, टॉप का बॉटम कैसे करना है। आते हैं साइज, और साइज के बारे में भी आप लोग को अच्छी खासी जानकारी है, क्या बोलो, क्या जानकारी है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, देखो हमारे जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट जो दिखता है वो लेटर किसमें होता है, लेटर मतलब इसका जो हमारा पेज है इसका पहले से जो सेटअप है वो क्या है जी। पढ़ते हैं क्या, ठीक है बाबू। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये लेटर में है, लेकिन मैं सोच रहा नहीं इसको ये फोर साइज में प्रिंट करना हमको, इसमें ए फोर साइज में। तो यहाँ पे देखो साइज पे आऊंगा, देखो बाय डिफॉल्ट लेटर है, और मैं यहाँ पे कर दूंगा ये फोर, ठीक है। तो साइज थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा, तो जब जरूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल करना। नेक्स्ट अगला है प्रिंट एरिया, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रिंट एरिया का क्या यूज है समझिएगा, जैसे इस बार हम प्रिंट कर रहे तो उस पेज पे जितना सब प्रिंट हो रहा है ना, लेकिन इन केस हमसे यह कहा जा रहा है कि सर जो प्रिंट करना है, ध्यान देना, जो प्रिंट करना है वो क्या करना है, पीछे से ही कुछ लोगों का डाटा प्रिंट करना है, ज्यादा प्रिंट नहीं करना है, ना ऊपर से ना नीचे से, 20 से 5 से लेकर 10 लोगों का डाटा है क्या करना है हमको प्रिंट करना है, या नीचे कुछ डाटा हमको प्रिंट करना है, या ऊपर से कुछ डाटा प्रिंट करना है, मतलब उस पेज का पूरा डाटा एक बार प्रिंट नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या सेटअप है। तो उसके लिए हम प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रिंट एरिया के सहारे जितना एरिया हम सेट कर देंगे, ध्यान देना, जितना एरिया हम सेट कर देंगे उतना क्या हो जाएगा, जी प्रिंट में आएगा, प्रिंट होगा भी। तो चलिए देखते हैं और इसको क्या प्रोसेस है, क्या करके स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए सबसे पहले मैं देखो मैं आ जा रहा हूँ, अरे तो ससुरी दिक्कत है, कहीं भेजने वाला नहीं, परेशान करेगा, एक रुक जाओ, चलो इन किनारे रहने दो। पूरा हाइड वाला ऑप्शन नहीं है,
कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस यस मिल गया, बिजनेस मिल गया ना, आसान किया था। ए, जाने तो कहीं गया होगा, अब जरूरत नहीं है उसकी। आते हैं और उसके बाद से कहाँ पे आएंगे, फिर लेआउट में आएंगे। और मुझे क्या करना है, यहां से लेके 6 से लेके और 10 तक डाटा क्या करना, हमको प्रिंट करना है। तो मैंने 6 से लेके और 10 तक डाटा सेलेक्ट कर लिया, कर लिया। और इतना करने के बाद से प्रिंट एरिया में आएंगे और यहीं पे ऑप्शन दिया सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। तो सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे, अब इतना एरिया सेट हो गया। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था कि जब हम प्रिंट देख रहे थे तो पूरा आ रहा था ना, अब नहीं आएगा। फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे आएंगे, देख लो ना, ऊपर का डाटा आया ना नीचे का डाटा आया। लेकिन एक ड्रॉबैक है, क्या है, अगर कोई पूछ दे यह किस मंथ का डाटा है तब दिक्कत होगी। तो ऐसे तो गिनोगे ना, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल है, मई होगा। लेकिन कोई जरूरी है कि हमने ये नंबर ही मई जनवरी यहीं से स्टार्ट किया, हम यहां से भी स्टार्ट किए होंगे, तो ये हेडिंग नहीं आया, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका भी सलूशन दिया है कि अगर आप कहीं से भी प्रिंट करो लेकिन आपका जो मेन हेडिंग है वो हमेशा प्रिंट आउट में आएगा, प्रिंट में दिखाई देगा। चाहे बीच से करो, चाहे स्टार्टिंग से करो, चाहे लास्ट से करो, कहीं से भी करोगे प्रिंट आएगा ही आएगा जो आपका मेन हेडिंग है। अब कौसर हुआ कैसे होगा, उसके लिए क्या सेटअप है, क्या स्टेप है, तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। इसके लिए आपको आना होगा यही लिखा प्रिंट टाइटल्स, यहाँ पे मतलब प्रिंट का टाइटल जो दे दोगे वो बार बार प्रिंट में वही आएगा। तो हम प्रिंट टाइटल पे आ जाएंगे और प्रिंट टाइटल पे आने के बाद से कह रहा प्रिंट एरिया, एरिया तो पहले से सेट है, कोई दिक्कत नहीं। आएंगे रो टू रिपीट ए टॉप, कौन बोला, जी सर, रो टू रिपीट ए टॉप मतलब कौन सा रो आपको बार बार रिपीट करना है उसको सेलेक्ट करिए। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया जनवरी वाला, अब सेलेक्ट हो गया और आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कर देना है प्रीव्यू देख लेना है या तो यहाँ से प्रिंट करना है। तो हमने कर दिया ओके, और ओके करने के बाद से फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे आएंगे और देखिए डाटा बीच से ही प्रिंट हुआ है, लेकिन मेन हेडिंग आया है कि नहीं आया है, बोलो बाबू, आया है। तो ऐसे लोग प्रिंटिंग करते समय इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत ही सिंपल स्टेप है और आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे, हो जाएगा। आप कहो सर अगर मान लीजिए आपने एरिया जो सेट किया था अब जितना जरूरत था कर दिया था, अब फिर से हमको पूरा प्रिंट करना है, तो आप बताओ फाइल पे जा रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं तो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से आना है उसी प्रिंट एरिया में और यही पे देखो ऑप्शन दिया क्लियर प्रिंट एरिया, हमने बोला जी सर। अब जाएंगे और आने के बाद से कहाँ आएंगे, फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद से प्रिंट पे आएंगे, देखो सारा डाटा मतलब जितना एरिया हमने सेट किया है वह एरिया हम क्या कर सकते हैं, बोलिए जी, क्लियर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप आसानी तरीके से इसको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत, समारी बात है ना, स्टेप क्या मैं बता रहा हूँ और क्या इसका प्रोसेस है। चलिए अब यहाँ पे सवाल यह कि अगर सर अगर मान लीजिए हमको क्या करना है इसको और इसको दो हिस्सों में बांटना हो, तो ये जो बड़ा सा है इसको ब्रेक करना है, मतलब इतना हिस्सा अलग प्रिंट हो, इतना हिस्सा अलग प्रिंट हो, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है ब्रेक, ठीक है। टाइटल से नहीं होगा, टाइटल एक ही बार एक सेट करेगा, दूसरा करो तो वही बात ही रहेगा, ठीक है। ब्रेक्स में आएंगे और जहां से ब्रेक करना है बस क्लिक करेंगे
और यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट पेज ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक इंसर्ट हो गया। लाइन देखो, अरे यहाँ पे इसका लाइन दिख रहा है, एक तो ब्रेक हुआ है, देख लो अमाउंट 187 से हुआ है, मतलब जब प्रिंट करेंगे तो 187 तक आएगा और दूसरे पेज में 78 से आएगा, चेक कर लेना, देख लेना यहाँ पे लाइनिंग लग गया है। अरे इसमें और इस लाइनिंग में और इस लाइनिंग पर दिख रहा है, थोड़ा हाईलाइट हो गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से जब मैं यहाँ पे आऊंगा, फाइल पे आऊंगा और प्रिंट पे आऊंगा, देखिए 187 तक हुआ है। बोलो उसके बाद जो डाटा किस पे आएगा, दूसरे पेज पे, हाँ हेडिंग साथ में। ये ज्यादातर लोग काम कर लेते हैं और काम करने में जब प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, यही ऑप्शन नहीं पता होता है तो लोग प्रिंट नहीं कर पाते हैं और कई पेपर कई पेजेस खराब कर देते हैं और दो चार थप्पड़ भी खाते हैं, डांट भी सुनते हैं। ठीक है, बर्दाश्त कर लिए तो अच्छा, नौकरी है और नहीं तो चले आएंगे घर। हाँ अरे यार, कहीं से ऐसे मालिक मिलेंगे, गलती करो तो थपड़िया देंगे, उसको चले आओगे गुस्सा के घर। हाँ यार, मिल जाते हैं ऐसे लोग, अरे मिल जाते हैं कई सारे लोग, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, 100 में 2-4 ऐसे मिल जाएंगे, बहुत गुस्सेले होते हैं, गलती करके पीटेंगे, कहेंगे क्या करेगा, बहुत करेगा तो नौकरी छोड़ देगा चला जाएगा, बहुत करेगा तो कंप्लेन करेगा चला जाएगा, यही है ना उसका तो उतना है सब कई लोग। ठीक है, एटीट्यूड वाले कि थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं गलती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी होता है। तो यह तरीके हैं, आप यहाँ से मार्जिन बता दिया, ओरिएंटेशन बता दिया, साइज बता दिया, प्रिंट एरिया बता दिया, पेज ब्रेक बता दिया, प्रिंट टाइटल बता दिया। अब आते हैं बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन देखो एक्सेल में बैकग्राउंड में इमेज लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमारा डाटा दिखवे नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे ब्राउज पे, और बहुत सारे बैकग्राउंड इमेजेज अगर होंगे। माल यही लगाना है, ये नीचे है, इसके ऊपर है डाटा। हाँ डाटा अलग है, उतना अच्छा नहीं रहता बैकग्राउंड सेट करने में, कोई भी कलर लगाओ लेकिन उतना अच्छा दिखेगा। हाँ तुमको तो सब अच्छा लगेगा। ठीक है बाबू, इसीलिए हम लगाते नहीं है, डिलीट कर देते। और उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है स्केल टू फिट। अब देखो स्केल टू फिट का क्या यूज है, यह थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहले तो ब्रेक को हटा देते हैं, रिमूव रिसेट ऑल पेज ब्रेक। यहाँ पे आते हैं स्केल टू फिट। देखो स्केल टू फिट का क्या यूज है, मतलब हमने इतना करने के बाद भी मतलब ओरिएंटेशन भी चेंज कर दिया, साइज भी सही कर दिया, मार्जिन भी सेट कर दिया, इसके बाद भी हमारा एक दो हेडिंग जो है ना वो नेक्स्ट वाले पेज पे चला जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्केल टू फिट। लेकिन अब ऐसा मत समझना, सर तरीका बता रहे, जितना ज्यादा और उतना प्रिंट कर दे रहे हैं, तो खूब ज्यादा डाटा बना लेंगे तो देखो उस पेज की जितनी क्षमता होगी उतना ही कर सकते हैं। ये बनाते समय लोग सेटिंग नहीं कर पाते हैं तो इसीलिए पेजेस ज्यादा हो जाते हैं और डाटा कम रहता था, कई सारे पेज में प्रिंट होने लगता है, वही सेटअप हम सिखा रहे हैं और हमेशा करना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे 100 लोगों का डाटा बना के और 100 हेडिंग बना के प्रिंट कर दे तो मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे A4 साइज की जितनी क्षमता है उतना ही ये सेटिंग दिया है, समझे ना, वहां तक कर सकते हो 2, 3, 4, 5, हम कम कम करके ज्यादा करके क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता चले कि आपके साथ भी ऐसा दिक्कत हो तो कर ले, नहीं तो मुझे बनाना है तो क्या करूंगा, मैं जानता हूँ इस बार ऐसा गलती करूंगा ही नहीं, सबसे पहले जाऊंगा व्यू टाइम में और पेज लेआउट ले लूंगा, और पेज लेआउट लेने से फायदा क्या होगा, पेजेज अलग अलग दिखने लगेंगे और उतना ही मैं डाटा बनाऊंगा, और बहुत करूंगा तो 2-4 अगर लाइन बढ़ाना है तो दूसरी लाइन में बढ़ा दूंगा और जाके यहाँ पे सेट कर दूंगा,
ठीक है, तो सिंपल स्टेप है। लेकिन आप भी काम करोगे, काम करते वक्त दिक्कत आएगी, और ऐसा सबके साथ आता है, आपके साथ भी आता है, हमारे साथ भी आता है, ये सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। चलो अब आते हैं, और आने के बाद से यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट तक यहाँ पे दिख रहा है, आ गया ना। अब थोड़ा सा डाटा और बढ़ा देते हैं, उसके बाद फाइल पे आते हैं। कुछ अलग करना पड़ेगा तो पता चलेगा, यही है टोटल, इधर भी है, जैसे आपको पता लास्ट वाले में आ गए। ठीक है, फाइल पे आएंगे, दिमाग तो बहुत ज्यादा लगाते हैं। मीन तक आया, दूसरा डाटा, एक दो तीन हेडिंग दूसरे पे गया, फिर भी हम चाह रहे हैं कि ऐसा संभव रहता तो हम कर लेते, तो कर किया जा सकता, और इसको छोटा कर, इसी में आ गया और बड़ा कर देते। अब यह वाला छोटा करने से काम नहीं चलेगा। दिख रहा है, दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा दो के लिए। इसके लिए जितना स्टेप था सब हम कर लिए यहाँ पे, अब इसे काम चलने वाला नहीं है। अब आएंगे स्केल टू फिट पे, और स्केल टू फिट पे आने के बाद से ये भी दिया बिट, दिख रहा आपको, और यहाँ पे दिया है हाई, और बिट पे आएंगे और यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिक, क्या लिखा है ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक को कर देंगे पेज वन, क्या कर देंगे पेज वन, और आएंगे फाइल पे प्रिंट पे। अब देखो एक ही पेज में आ गया, देखो नीचे देखो, हो जाएगा। अब अगर थोड़ा दो चार और हेडिंग रहता तो भी हो सकता, लेकिन साइज धीरे धीरे अब छोटा हो जाता, किसका, टेक्स्ट का, और जब खूब छोटा हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा और आगे चल के दिक्कत हो सकती है, समझे। मान लो इस बेंच की क्षमता है 6 लोगों का, और कोई कर 8 लोगों को बैठाइए तो क्या करेंगे, पतले पतले लोग को बैठाएंगे जो आराम से बैठ जाए, मोटे मोटे होंगे तो 6 गो का 5 एक हो जाएगा। ठीक है, यही तरीका है यहाँ पे। तो जब क्या होगा, जब ज्यादा हम डाटा प्रिंट करना चाहते हैं और बचत करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमी पड़ेगी। मान लो पैसा बचाना चाहते हैं तो कपड़े की क्वालिटी थोड़ा सा खराब होगा, ठीक है, तो अलग अलग बात है। जहां जहां पे कुछ बचाना है तो कुछ खोना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे खोना ज्यादा नहीं पड़ता है, बस वही है थोड़ा छोटा हो जाता है, दिखाई कम देता है, चश्मा लगा के देखना पड़ता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत, बोलो, बहुत इजी है ना। चलिए आते हैं, और आने के बाद से मतलब यह बता तो दिया, लेकिन कहाँ पे क्या करोगे अब आपका दिमाग चलेगा, कि ऐसा दिक्कत आ जाए तो सर पढ़ाए तो ओरिएंटेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा दिक्कत आ जाए तो प्रिंट सेटअप का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, अगर टाइटल की दिक्कत आ जाए तो टाइटल का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा पेज की ज्यादा दिक्कत आ जाए तो वन पेज कर लें, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, हमने बता दिया। चलो यह अभी तक चर्चा था किसके बारे में, पिथ के बारे में, लेकिन अगर मान लो नंबर ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट हमारे ज्यादा हो तब, और मान लो कितने लोगों का डाटा बनाया हो, मान लीजिए, क्या मान लो मैं सीरियल नंबर ही दे देता हूँ, मानते रह जाएंगे, तुम बनवाते रह जाओ, वाह काउंटिंग बहुत अच्छा है, काउंटिंग कौन सा अच्छा है, यहाँ से लेंगे तो बता देगा, यही किए होंगे लग रहा हूँ। चलिए आते हैं, और आने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा बॉर्डर करते हैं, सेलेक्ट करके इसको भी कलर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 लोग का डाटा आ रहा था, आराम से यहाँ पे आ रहा है, प्रिंट हो जा रहा है, बोलो, लेकिन मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, आठाईस लोग का डाटा हमको प्रिंट करना, इन लोग का 28 लोग का,
फाइल पे आए, आ रहा है कोई दिक्कत? तो तुम सोचते सर 2-4 10 लोगों को प्रिंट करेंगे क्या? नहीं, देखो कहां तक जा रहा है, इतनी क्षमता है इसकी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 80 लोगों का डाटा बनाया हो, कितने लोगों का? 80 लोगों का फाइल। थर्टी सेवन तक गया ना, तो आप बताओ, मैं सोच रहा कम से कम 40 तो आ ही जाए, कितना आ जाए? 40 तो आ ही जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा? तो ये देखो 3 पेज है तो आराम से 80 का 2 पेज हो जाएगा ना। यहाँ पे बैक आएंगे और बैक आने के बाद से फिर ऊपर आएंगे, और इस बार हमें दिक्कत किससे है? हाइट से दिक्कत है, तो यहाँ पे लेंगे पेज से दिक्कत नहीं था, ऑटोमेटिक कर दिया, हाइट से दिक्कत कर दिया, 1 हो गया फाइल। देखो कितना तक जा गया, 80 लोगों का भी प्रिंट हो जाएगा। बहुत छोटा है लेकिन प्रिंट होगा तो बड़ा दिखेगा। इतना ज्यादा नहीं करना हमको, क्या करना है? अरे उतना ही क्षमता रखो, ठीक है, जिन्हें खिला सको, ठीक है। तो क्या करें हम, 60 तक या डिलीट कर देते हैं? 60 तक तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा यही है, साइज एडजस्ट होगा, मतलब साइज में तो कमी आएगी ही आएगी। अब चलो अब सही है, छेपान लायक है, ठीक है। अब कहो सर क्या दिखाई तो नहीं दे रहा? नहीं, जब पेज पे प्रिंट होगा ना तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। हम प्रिंट करके देखें 50-60 लोगों का, अच्छे से दिखाई देगा, हो जाएगा। अगर लग रहा नहीं और थोड़ा मोटा देखना है तो कम कर दो, कितना कर दो संख्या? 50 लोगों का, 50 लोगों का तो पर्याप्त आएगा। थोड़ा सा साइज और इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर उससे भी कम करना है तो नॉर्मल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेआउट पे आते हैं और यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। मतलब यार जैसे कम होता जाएगा ना, यहाँ पे साइज भी अपने आप एडजस्ट होता जाएगा, समझे? और प्रिंट करेंगे तो दिखेगा। जब यहां से दिख रहा है कि 16 नंबर पर 57, 239, 86, 237 दिखा है, तो जब प्रिंट करेंगे तो पेज पे भी दिखेगा। हमारे तो अच्छे दिख रहा है, वो तो प्रोजेक्टर पे दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, प्रिंट करके दिखा भी देंगे। चलिए प्रिंट कर दें, चलिए पता नहीं देखे कमांड वहां पर चल रहा है, चलिए प्रिंट जाएगा वहां, ऑफिस में चला जाएगा। प्रिंटर जुड़ा है ना, चलिए कोई कमांड बस ना दे, कौन सा प्रिंटर है इसमें, तो वही है नहीं है प्रिंटर। वहां पर दिया नहीं है बाबू, नहीं प्रिंट का ऑप्शन देता है लेकिन वहां से कनेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्रिंटर शेयर नहीं किए हैं, अगर प्रिंटर शेयर किए रहते हैं ना, बस यहाँ पे प्रिंट कर देते, प्रिंट हो जाता। पूछेगा नंबर ऑफ कॉपी, प्रिंटर वहां शेयर नहीं किए हैं, यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट मतलब उसमें जोड़ना पड़ेगा। और वहां से ऑनलाइन शेयर किए रहते तो हो जाता, ऑनलाइन भी शेयर नहीं किए लोग, हो जाएगा बाबू। और एक बात और, अगर हम सोच रहे हैं कि जितना हम सेलेक्ट किए उतना ही प्रिंट करें, तब तो यह बताया है ना मैंने, प्रिंट एरिया एक और ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट करो कंट्रोल पी कर दो, ठीक रहा है? तो पूरा आ रहा है ना, बोलिए। यहीं पे ऑप्शन देता प्रिंट एक्टिव सीट, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ले लेंगे प्रिंट सिलेक्शन, क्या कर देंगे? प्रिंट सिलेक्शन, बस यह प्लस पॉइंट है कि जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही प्रिंट आएगा। लेकिन इसके लिए कहाँ सेटअप करना पड़ेगा? हाँ, सेटिंग में प्रिंट में, ठीक है, वहां पर सिलेक्शन ले लेंगे, किसी में ऐसा आएगा, किसी में लिखेगा सिलेक्शन ऑल पेजेज करेंट पेज, तो वहां पे जैसा लेना वैसा ले सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं, या भी सेट कर सकते हैं फोर साइज, नॉर्मल मार्जिन, फिट ऑल रो एंड वन पेज, ऐसा सब दिया है सेटअप।
यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है, करंट नंबर ऑफ कॉपी कितना चाहिए और उसके बाद से प्रिंट कर देंगे। इस बार प्रिंट करेंगे तो पीडीएफ बनेगा, इसमें प्रिंट करेंगे तो क्या बनेगा, पीडीएफ बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंटर जुड़ा नहीं है। हो जाएगा बाबू, क्या तक कर लोगे, कोई दिक्कत? चलिए, कहाँ गया हमारा रिकॉर्डिंग वाला?